नमस्कार, मैं आर एस रोहिला आज आपको क्रॉप मैनेजमेंट में एक मेथड बताऊंगा जिससे आप अपने इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे सामने एक डिब्बा दिखा रहे हैं, ये इसके अंदर गम है और इस गम को हम ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ ले रखी हैं इन्होंने येलो कलर की, इनके ऊपर लगाएंगे। ये देखिए, ये थोड़ा इसके ऊपर डाल लेते हैं और डालकर इन पन्नियों को आपस में रगड़ते हैं और ये गम पूरी की पूरी पन्नियों के ऊपर लगा लेते हैं। इस तरह से आप इस गम को पन्नियों के ऊपर लगा सकते हैं। ये देखिए, हाथ में इन पन्नियों को पहन लेते हैं और इन पन्नियों के ऊपर ये गम लग जाती है। ये आप किसी भी बीज बेचने वाली दुकान से मांग सकते हैं कि हमको क्रॉप मैनेजमेंट टैग्स चाहिए। ये अलग अलग कलर में होती हैं और हर कलर एक अलग इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। ये येलो कलर है, येलो कलर आपके एफिड्स और जेसिड्स को कंट्रोल करेगा, जो कि अक्टूबर और फरवरी के महीने में आपने देखा होगा कभी कभी स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर इतना ज़्यादा आ जाता है, बहुत ज़्यादा, कि खेतों में अगर वो घुसे या किसी भी फसल के ऊपर जाए तो पूरी की पूरी फसल को ख़राब कर देता है। और ये एफिड या जेसिड वायरस को कैरी करता है और आपके पौधों में वायरस लग जाता है। ये देखिए, ये बीच में टैग लगा रखे हैं और एक कोई भी डंडा आप गाड़ कर इन थैलियों को टांग सकते हैं। इन थैलियों के ऊपर कोई भी एफिड या जेसिड, एफिड और जेसिड को पीला रंग बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये भाग भाग कर इन पन्नियों के ऊपर आते हैं और इनमें टक्कर मारते हैं तो इनके ऊपर गम लगी होती है और वो सब के सब इन गम के ऊपर चिपक जाते हैं, थैलियों पे चिपक जाते हैं और आपकी फसल को भूल जाते हैं कि हमको इसको भी खाना है। जब ये इसके ऊपर चिपक गए तो फिर ये कहीं भी ना हिल डुल पाते हैं ना कहीं उड़ पाते हैं। तो आप अपने खेत में 1 एकड़ में करीब 100 थैलियाँ लगा सकते हैं इस तरीके से, और आपके खेत में जो आप बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ छींटते हैं वायरस से बचने के लिए या एफिड जेसिड से बचने के लिए, वो सब का सब इन थैलियों से कंट्रोल हो जाता है और आपका बहुत सारा पैसा दवाइयों का बच जाता है। और आप दवाइयाँ फसल के ऊपर नहीं डालेंगे तो सेहत के ऊपर भी खाने वालों के कोई असर नहीं पड़ता है। जिस तरह से लोग गेंदा कई बार लगा देते हैं फसल में, उससे भी आपके एफिड्स और जेसिड्स कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही पुख्ता समाधान है एफिड्स और जेसिड्स के लिए। आप अपने खेत में जब भी कोई वायरस से रेजिस्टेंट वैरायटी लगाएंगे तो इन टैग्स को लगा देंगे तो आपका खेत में वायरस बहुत ही कम आएगा।